ऐसे जाना पड़ेगा। गाइस हम लोगों का पास बन गया। गाइस यहाँ का व्यू देख सकते हो आप। माय गॉड गाइस, कुछ नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा दिख रहा है। कुछ इतना प्यारा बेचारा। क्या भैया यहाँ पे डेली ऐसा ही होता है क्या? हाँ ऐसा ही फोगी होता है क्या मौसम? जुलाई जुलाई वहाँ पे है गाइस हम लोगों का इंडिया का फ्लैग और यहाँ पे है बांग्लादेश का फ्लैग। भैया आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से ना इंडिया से? बांग्लादेश का है आप तो, पर उस पार से इस पार आ गया ना। बांग्लादेश से इंडिया। हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। एंड आज का ब्लॉग में हम लोग जाएगा डाउकी, जो कि मेरा यहाँ से है 168 किलोमीटर। तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको। अभी टाइम हो रहा है 6:51 और ये जगह का नाम है गुराबाद। अभी हमको यहाँ से जाना पड़ेगा राइट। सुबह सुबह निकल गया क्योंकि सुबह ना गाइस ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। एंड दिन को तो आप लोग देखा ही होगा इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना। यहाँ देखो इतना ज़्यादा, अभी इतना ट्रैफिक देखो बोलेगा। और यहाँ पे इतना ट्रक जमा हुआ है ना। जय गणेश जी। ओ गाइस यहाँ का बस देखो कितना प्यारा है। वो पूरा ट्रक जैसा है यार, बहुत पुराना बस है शायद। हम लोगों को अभी साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? पार्किंग करवा दिया, पता नहीं थी यहाँ पे क्या जाना पड़ेगा होगा। तो अभी चलो देखते हैं क्या होता है। एक दिन आप तो बस यहाँ पर सीन ऐसा है कि ना मेघालय टूरिज्म ऐप्स डाउनलोड करके यहाँ पे रजिस्टर करके फोटो वोटो डाउनलोड अपलोड करके उसके बाद ही आपको जाना पड़ता है टूरिज्म पर्स। तो गाइस हम लोगों का पास बन गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं, सब पास बनाने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों का तो बन गया बाबा। पर पूरा फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेता है, बस वो आपका सेफ्टी के लिए। एंड आप लोग कभी घूमने आते हो तो आप लोग मेघालय टूरिज्म ऐप्स पहले ही डाउनलोड करके आ जाना, तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम नहीं लगेगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उमियम लेक और यहाँ से शिलोंग है 18 किलोमीटर। तो गाइस देखो लेक थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ से। एंड यहाँ पे रुका था थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो उसके बाद सीधा चलते हैं गाइस डाउकी। गाइस यहाँ पे देखो एक इतना सुंदर सा व्यू मिला है ना, क्या बोलूं। वो नीचे में तो अपनी बोटिंग भी कर रहा है, अकेला बोटिंग कर रहा है वो। तो गाइस यहाँ का व्यू देख सकते हो आप, काफी सुंदर है यार। एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देखने वाला। गाइस वेलकम टू शिलोंग। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिलोंग और यहाँ पे हम लोगों का है 80 किलोमीटर। और हम लोग सोचा है कि यहाँ से ट्रैफिक से निकल के कुछ खा लेगा बोल के, क्योंकि भूख भी बहुत लगा है। और ये गूगल में हम लोगों को यहाँ से ले जा रहा है गाइस, हाँ गली से ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है पता नहीं। ले जाओ। और यहाँ इतना बारिश दे रहा है यार। एंड यहाँ पर लोग देखिए ट्रैफिक का कितना मेंटेन करते हैं यार, कोई भी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर रहे। देखो
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिलोंग साथ में एंड यहाँ पे अभी चाय पीने ही रुका था, आगे हम लोग को होटल नहीं मिल रहा था तो इसलिए हम यहाँ पे चाय पीने रुका था। तो चाय वाय पी लिया है एंड अभी फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ रहा है बहुत। और यहाँ पे ना एक चीज बहुत अच्छा है कि आपको यहाँ पे दूध चाय नहीं मिलता है, सिर्फ लाल चाय मिलता है। शायद आगे आप लोगों को पूरा फॉग मिलेगा होगा तो आगे जाके दिखाते हैं। तो चलिए गाइस ये देखो पूरा फॉग ही हो गया रे बाबा। ओ भाई कहा गुवाहाटी में गर्म से मर रहा था यार, यहाँ पूरा फोगी हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ तो। देखो बहुत लोग यहाँ पे रुका है फोटो वोटो खींचने के लिए, तो हम लोग भी रुके हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। फोटो खींचेगा ना, कहाँ पे खींचेगा? यहाँ खींचेगा, फोगी जगह यहाँ खींचेगा। ये वीडियो तो बहुत ही मजा होगा होगा क्योंकि धूप भी था, पानी भी था और अभी फोगी भी है। ओह माय गॉड गाइस, कुछ नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा दिख रहा है। उसके अंदाज में मैं चला रहा हूँ बाइक, आप खुद देख सकते हैं। ओह माय गॉड, कुछ इतना प्यारा बेचारा क्या कर रहा है ये यार। देखो इतना गर्म में घूम रहा था यार, तो मजा हुआ। ओ भाई इतना होगा सोचने से तो जैकेट के पहन के आना था। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पोंगलुम एंड यहाँ पे ना वेदर देखो इतना फोगी हो रहा है ना। वाह क्या बोलेगा यार, क्या भैया यहाँ पे डेली ऐसा ही होता है क्या? हाँ ऐसा ही फोगी होता है क्या मौसम? जुलाई 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 में ऐसा, जुलाई में ऐसा होता है ना। वाह गर्म में भी इतना फोगी हो रहा है यहाँ में, तो सब लोग लाइट जला जला के जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे चाय पी लेगा हम लोग, थोड़ा बॉडी को गर्म कर लेगा। ये मौसम में चाय ले लिया, थोड़ा बॉडी को गर्म करना पड़ेगा ना, इतना ठंडा जो है। तो गाइस फाइनली हम लोग डाउकी पहुँचने वाला है। ये देखो वेलकम टू शिलोंग डाउकी रोड, यहाँ से और 30 किलोमीटर ऐसा होगा। तो अभी मौसम भी पूरा मजा हो गया, तो अभी थोड़ा भगा के जाएगा। गाइस मजा है रे एक्सपल्स ऑफ रोडिंग पे, बहुत मजा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डाउकी, ये है इंडिया गेट और उस पार है बांग्लादेश गेट। और यहाँ पे पूरा आर्मी लोग पूरा चेकिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश से पूरा ईटा वगैरह लेके आ रहे हैं ना, तो वो सबको चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ से और पार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे है गाइस हम लोगों का इंडिया का फ्लैग और यहाँ पे है बांग्लादेश का फ्लैग, वेलकम टू बांग्लादेश। तो यहाँ से गाइस बांग्लादेश। भैया आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से ना इंडिया से? बांग्लादेश का है आप तो, पर उस पार से इस पार आ गया ना। बांग्लादेश इंडिया, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट और वहाँ पे भी है वेलकम टू इंडिया। तो अभी हम लोग वापस इंडिया में आ गए। बांग्लादेश जाने के लिए आपको यहाँ पे चेकिंग करते हैं, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाएगा डाउकी रिवर, हम लोग सबसे पहले यहीं पे आ गया था बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहाँ से सीधा हम लोग घर जाएगा। गाइस डाउकी पुलिस का तरफ से आपको यहाँ पे पार्किंग प्लेस मिलता है बहुत ही अच्छा सा, तो अपना बाइक गाड़ी यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डाउकी रिवर एंड जो ये पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर बॉर्डर है, उस पर बांग्लादेश बॉर्डर है और इस पर इंडिया बॉर्डर। इंडिया का आदमी वहाँ तक जा सकता है और बांग्लादेश का आदमी यहाँ तक आ सकता है। तो ये देखो यहाँ पे है एक बांग्लादेशी और यहाँ पे भी एक है, एंड यहाँ पे ना बोटिंग भी कर सकते हैं, पर बोटिंग का रेट आपको ज़्यादा बोलेगा, आपको डिस्काउंट कर लीजिए। तो भाई ज़्यादा देखने के लिए तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बोटिंग कर सकता है और बांग्लादेश बॉर्डर को ही देख सकते हैं। भाई फाइनली हम लोग डाउकी गुवाहाटी पहुँच गए, सुबह से नाश्ता नहीं गया था ना, तो अभी यहाँ पे मस्ती से फ्राइड राइस खा रहे हैं। ऐसे ही होता है ब्लॉगर लोग का, इधर उधर घूम के खाना पीना टाइम टेबल ही नहीं मिलते। इतना में समय करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।